पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स लाया गया है। पार्थ चटर्जी जैसे ही भुवनेश्वर एम्स पहुंचे तो अस्पताल के बाहर लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर लाया गया था, जहां एम्स में डॉक्टरों ने उनकी जांच की। उधर पार्थ चटर्जी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आजीवन कारावास की सजा भी मिले। वहीं पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी ने कबूल किया है कि उनके घर से बरामद कैश बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का ही है। बता दें कि इससे पहले कोलकाता के अस्पताल में पार्थ चटर्जी का इलाज चल रहा था। इसके बाद ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि इस अस्पताल में उनका प्रभाव है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पार्थ को एम्स में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। ईडी ने पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से उनकी कई आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया है, जिनमें से पश्चिम बंगाल के डायमंड सिटी में 3 फ्लैट शामिल थे। कुत्ते प्रेमी के नाम से मशहूर मंत्री के इन पूर्ण वातानुकूलित फ्लैटों में से एक कुत्तों का है।